हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंपार्टमेंटल मॉडल ट्रक एसिमिलेशन इनटू ब्लड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो मॉडल कवर किए हैं, रेडियो एक्टिव डिके मॉडल एंड लेक पोल्यूशन मॉडल। ड्रग एसिमिलेशन इनटू ब्लड का मतलब क्या है? हम जब बीमार पड़ते हैं तो कोई ना कोई दवाई लेते हैं, उस दवाई के अंदर कोई ना कोई ड्रग होता ही है। तो वो ड्रग हमारे ब्लड में कैसे मिलता है, या जब हम लेते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, कैसे डिसॉल्व होता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में कैसे पहुंचता है, वो हमें जानना है। फिर उसका रिएक्शन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो इसमें हमें दो कंपार्टमेंटल मॉडल पढ़ने हैं। पहला तो है कि हम सिंगल कोल्ड पिल लें। सिंगल कोल्ड पिल का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी बंदे को कोल्ड हुआ, उसने उसकी एक पिल खाई कोल्ड को ठीक करने के लिए। हालांकि कोल्ड का कोई इलाज नहीं है, वो उसके रिएक्शन से बचने के लिए हम दवाइयां लेते हैं, जैसे कि रनिंग नोज से बचने के लिए। कोल्ड इज अनक्योरेबल, ये हमें पता है। तो हम इसमें दो कंपार्टमेंटल मॉडल देखेंगे। कोल्ड होने के बाद बंदे ने सिर्फ एक ही दवाई खाई, सिंगल कोल्ड पिल, और दूसरा है अ कोर्स ऑफ कोल्ड पिल्स। अ कोर्स ऑफ कोल्ड पिल्स में उसने मल्टीपल्स दवाई खाई हैं, जैसे हमें डॉक्टर तकरीबन लिख के देता है 3 times a day, तो उसने 3 बार दवाई खाई, या 2 times a day, जो भी उसका प्रोसीजर है वो उसने दवाई खाई। अभी हम देखने जा रहे हैं सिंगल कोल्ड पिल में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम ड्रग जब लेते हैं तो होता क्या है। जो ड्रग है या कोई भी कोल्ड पिल है या अल्कोहल का इंटेक है, आप कुछ भी एग्जांपल सोच सकते हैं, वो जैसे ही आप खाएंगे वो डिसॉल्व होएगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। सबसे पहले कहाँ पर डिसॉल्व होगा? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसको GI ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ये होता क्या है, GI ट्रैक्ट जो है वो एक सीरीज होती है होलो ऑर्गन्स की, जो एक लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब से जुड़े होते हैं माउथ से लेके एनस तक। बहुत सारे ऑर्गन्स जो हमारे माउथ से एनस के बीच में जुड़े हैं एक ट्यूब से, उसको बोलते हैं GI ट्रैक्ट। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ GI ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं GI ट्रैक्ट। इसके अंदर जैसे हमारा माउथ आ गया, स्टमक आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, ये आप देख रहे हैं, एंड देन NS। तो जब आप ड्रग लेते हैं उसके बाद वो GI ट्रैक्ट में जाता है, उसमें एब्जॉर्ब होता है, डिजॉल्व होता है, एंड देन इट गोज इन टू मेन ब्लड स्ट्रीम। तो अगर मैं इसका कंपार्टमेंटल मॉडल बनाऊँ तो क्या होगा? दिस इज़ द कंपार्टमेंटल मॉडल वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर दो कंपार्टमेंट बनेंगे, दिस इज कंपार्टमेंट 1 एंड दिस इज कंपार्टमेंट 2। बेसिकली क्या हुआ, ड्रग आपने खाया, ड्रग की पिल ली, कोई भी कोल्ड पिल मान लेते हैं, वो GI ट्रैक्ट में जाके डाइजेस्ट हुई, उसके बाद डाइजेशन होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में गई। दिस होल प्रोसेस इज ड्रग एसिमुलेशन इन टू ब्लड, ब्लड में कैसे आ रहा है। अब इसके अंदर अगर हम देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन GI ट्रैक्ट, ये निकालेंगे हम। ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन ब्लड, ये निकालेंगे। ये दो चीज़ें निकालनी होंगी हमें। तो स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन GI ट्रैक्ट इज व्हाट, कितना ड्रग आया माइनस कितना ड्रग गया, रेट ऑफ ड्रग इनटेक माइनस रेट ऑफ ड्रग लीविंग GI ट्रैक्ट। आई कैन राइट इट एज, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन GI ट्रैक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग इनटेक माइनस रेट ऑफ ड्रग लीविंग GI ट्रैक्ट। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन ब्लड, रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन ब्लड इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग ब्लड माइनस रेट ऑफ ड्रग लीविंग ब्लड। यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम में कितना ड्रग आया और कितना गया, उसका डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर रेट,
तो यहाँ पर कितना ड्रग आया और कितना गया उसका डिफरेंस हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन जीआई ट्रैक्ट। इट्स वेरी सिंपल, कुछ लेट कर लेते हैं। लेट एक्स टी बी द अमाउंट ऑफ ड्रग इन जीआई ट्रैक्ट एट एनी टाइम टी। एक्स टी से क्या दिखा रहा हूँ, अमाउंट ऑफ ड्रग इन जी आई ट्रैक्ट एट एनी टाइम टी, और वाई टी से दिखा देते हैं अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड स्ट्रीम एट टाइम। यानी यहाँ पर कितना ब्लड है वो एक्स टी दिखाएगा, यहाँ पर कितना ब्लड है वो वाई टी दिखाएगा। अब हम पहले मॉडल की बात करते हैं, सिंगल कोल्ड पिल मॉडल। फर्स्ट मॉडल की बात करेंगे हम, इसमें एक एजम्पशन कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं जो आउटपुट है यहाँ पर जीआई ट्रैक्ट से ड्रग के निकलने का जो आउटपुट है वो प्रोपोर्शनल है जीआई ट्रैक्ट के अंदर जितनी कंसंट्रेशन है ड्रग की। सो लेट अस राइट इट, एज्यूम दैट द आउटपुट रेट इज प्रोपोर्शनल टू द जी आई ट्रैक ड्रग कंसेंट्रेशन। इसका मतलब क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग एट एनी टाइम टी इज माइनस के वन एक्स। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि कम हो रहा है, आपने एक ही ड्रग लिया उसके बाद क्या होगा, ड्रग इसमें से बाहर जाएगा, अंदर कोई नहीं आएगा, इनटेक कुछ नहीं है तो इसमें डिक्रीज होगा, इसलिए डी एक्स बाई डी टी इज माइनस के वन एक्स, वेयर के वन इज अ पॉजिटिव कोफिशियंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड एट टाइम जीरो मैंने मान ली एक्स की क्वांटिटी जो है एक्स नॉट है। एक्स नॉट क्या हो गया, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द पिल। पिल के अंदर एक्स नॉट ड्रग था वो पूरा का पूरा इसके अंदर चला गया था, इसीलिए टाइम जीरो पे मैंने क्या लिया कि जी आई ट्रैक्ट के अंदर एक्स नॉट ब्लड है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ब्लड के जी आई ट्रैक्ट के अंदर ड्रग आया और आगे निकलना शुरू हो गया। अब ब्लड स्ट्रीम की बात करते हैं, कंपार्टमेंट टू की बात करते हैं। ब्लड स्ट्रीम के अंदर उतना ही ड्रग आएगा जितना जी आई ट्रैक्ट से निकलेगा, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम से कुछ बाहर भी जाएगा, तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर मैं ड्रग की बात करूं तो लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम इंक्रीजेस एज द ड्रग डिफ्यूजेस फ्रॉम जी आई ट्रैक्ट एंड डिक्रीजेस एज किडनी एंड लीवर रिमूव इट। किडनी और लीवर उसे कम करती जाएंगी ड्रग को, इसीलिए जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ड्रग है वो डिक्रीज भी होगा। उसको मैं लिख देता हूँ जो बोला मैंने अभी, द लेवल ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम इंक्रीजेस एज द ड्रग डिफ्यूजेस फ्रॉम द जी आई ट्रैक्ट एंड डिक्रीजेस एज द किडनीज एंड लीवर्स रिमूव इट। ड्रग की जैसे मान लो हम अल्कोहल लेते हैं तो उसका थोड़ी देर बाद नशा कम होने लगता है, या कोई भी दवाई लेते हैं उसका जो नशा होता है वो थोड़ी देर बाद कम होने लगता है। क्यों कम होता है, क्योंकि किडनी और लीवर काम कर रहे होते हैं उसको डिक्रीज करने में। तो अगर मैं इस इक्वेशन को बनाऊं तो क्या बना, चेंज ऑफ रेट ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम, वाई से हमने दिखाया था तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ये इज इक्वल टू के वन एक्स क्वांटिटी से वो आ रहा है, क्योंकि हमने क्या लिया था माइनस के वन एक्स क्वांटिटी से लीव कर रहा था इसलिए माइनस लगाया था, लेकिन क्वांटिटी क्या हुई के वन एक्स, यहाँ पर एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव है, के वन एक्स से आ रहा है माइनस के टू वाई से लीव कर रहा है, के टू इज अनदर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वंस अगेन यहाँ पर भी हम मान रहे हैं टाइम जीरो पे, यहाँ पर क्योंकि ड्रग की क्वांटिटी जीरो थी ये जीरो हो जाएगी, वाई नॉट नहीं होगी क्योंकि इनिशियल कंडीशन में तो यहां पर ड्रग था ही नहीं। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, लेट्स सॉल्व देम, फटाफट से सॉल्व करते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन वन,
बोल देता हूँ इक्वेशन टू, लेट्स सॉल्व इक्वेशन वन फर्स्ट. डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वन एक्स, वन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन डी टी. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट एल एन एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन टी प्लस एल एन सी. कॉन्स्टेंट ले लिया कोई, इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन ई की पावर माइनस के वन टी प्लस एल एन सी एल एन एक्स. यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस के वन टी. अब इनिशियल कंडीशन लगाता हूँ मैं, एट टाइम इक्वल टू ज़ीरो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स नॉट जितना क्वांटिटी ड्रग पिल के अंदर थी ड्रग की, उतनी क्वांटिटी जी ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगी सारी की सारी. तो कंडीशन क्या आ गई, एक्स नॉट इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर टी जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा एंड सी इज इक्वल टू एक्स नॉट. सी की वैल्यू एक्स नॉट पुट कर देता हूँ ऊपर तो मेरा एक्स आ जाएगा एक्स नॉट ई रेज टू पावर माइनस के वन टी. दिस इज अवर वैल्यू ऑफ एक्स. अब वाई वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का बोल रहा हूँ. लेट्स सॉल्व इट. डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वन एक्स माइनस के टू वाई. क्योंकि यहाँ पर वाई और टी में है तो मुझे एक्स को रिमूव करना पड़ेगा. एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड से पुट कर सकते हैं यूजिंग थ्री. वी गेट y by dt is equal to k1 x0 e raised to power minus k1t minus k2y. ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y के अंदर, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ. दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y वेयर p इज k2 q इज k1 x0 e raised to power minus k1t. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e रेस टू पावर p dt यानी कि k2 dt हो जाएगा, e रेस टू पावर k2t. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए. सो वी विल हैव y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस सम कांस्टेंट से c2. c पहले से लिया है इसलिए इस बार c2 ले लिया. इसको सॉल्व करते हैं, k1 x0 e raised to power k2 minus k1t dt प्लस c2. ये हो जाएगा k1 x0 e raised to power k2 minus k1t divided by माइनस के वन प्लस सी टू. इनिशियल कंडीशन क्या है मेरे पास, टी इक्वल टू जीरो पे वाई जो है वो जीरो था. हमने देखा था वाई जीरो इज जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे वाई जो है जीरो है. इसको पुट करता हूँ तो क्या होगा, ई रेस्ट पावर जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू के वन एक्स नॉट. टी जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा, ई रेस्ट पावर जी जीरो अपॉन k2 minus k1 plus c2. This implies c2 is equal to minus k1 x0 upon k2 minus k1. ठीक है, c2 की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं. So we will have e raised to power k2 ty is equal to k1 x0 e raised to power k2 minus k1 t upon k1 minus k1 x0 upon k2 minus k1. Let's take common k1 x0 upon k2 minus k1. The common आ गया. We will have e raised to power k2t into e raised to power minus k1t minus 1. अब e raised to power k2t से पूरे को divide कर देता हूँ. This will cancel out. So we will have y is equal to k1 x0 k1 minus k2.
यहाँ पे के टू माइनस के वन था, मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर भी चेंज हो जाएगा, इट विल बी ई रेस्ट टू पावर माइनस के टू टी माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस के वन टी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहां पर एक कंडीशन जरूर लिख लीजिएगा, के वन इज नॉट इक्वल टू के टू, क्योंकि के वन अगर के टू के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, इट विल बी नॉट डिफाइंड। ये के वन जो है वो के टू के इक्वल नहीं होगा, के वन के टू के इक्वल होगा तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल है जो कि अभी हम नहीं देख रहे हैं।